हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। और मैंने नहाया नहीं है, प्लीज़ फेस को इग्नोर करना। नहाया नहीं है मैंने अभी तक, और अभी मैं करने वाली हूँ पेडिक्योर। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि पेडिक्योर मैं कैसे करती हूँ घर पे। और आईब्रो देखिए बिल्कुल बनी नहीं है, तो इतनी गंदी सी लग रही है। और मुझे आईब्रोज भी बनानी है क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, घर पर ही बनाती हूँ मैं आईब्रोज। और एक मिनट में टीवी का माही आवाज कम करो बेटा, टीवी का तो बच्चे टीवी देख रहे हैं। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आवाज कम करो टीवी का, तो बच्चे देख रहे हैं टीवी, इसी वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा था मुझे। और हाँ, मैं अभी करने वाली हूँ पेडिक्योर, तो आपके साथ शेयर करती हूँ घर पे मैं पेडिक्योर कैसे करती हूँ। और आईब्रोज भी करने हैं, तो आईब्रोज के लिए बाहर तो नहीं जा सकते, तो घर पे ही करना पड़ेगा, तो घर पे ही करूँगी आईब्रोज भी। और उसका पता नहीं वीडियो शूट कर पाऊंगी या नहीं, बट पेडिक्योर का आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए पेडिक्योर नहीं किया था, तो सोचा आज कर लेती हूँ। क्योंकि ना माही तो ऐसा होता है कि माही टिकटॉक वगैरह दिखती रहती है, तो वो करती रहती है खुद का कुछ ना कुछ, मतलब तो कुछ भी देखती है ना तो वो ट्राई करती ही है। तो वो उसका किया था उसने, क्योंकि मैं उसको केमिकल यूज़ नहीं करने देती हूँ अपने ऊपर, तो इसी वजह से वो लेमन लेती है तो लेमन घिसती है, तो ऐसा कुछ ना कुछ करती है, मतलब उसको शौक है इसी वजह से। उसका वो कुछ नहीं है कि यार इतनी जल्दी पेडिक्योर करने लगी और ये, तो ऐसे ही खाली बैठी रहती तो गर्म पानी में पैर डुबा दिए, फिर लेमन घिस लिया, तो ये बारा करती रहती है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी करती हूँ, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद नहाना भी है मुझे, फिर ये आ जाएंगे उसके लिए, फिर लंच भी बनाना है इनके लिए। तो लंच में एक्चुअली सब्जी तो है, सब्जी कल का चिकन बचा हुआ है, बहुत सारा चिकन बनाया था मैंने, तो इतना कुछ खाया नहीं है किसी ने, तो चिकन बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्राउन राइस बनाऊँ, इनके लिए वाइट राइस बना दूँगी, अपने लिए ब्राउन राइस बनाऊँगी। और रोटियाँ भी हैं, तो थोड़ी सी मैंने इनके टिफ़िन के लिए रोटियाँ बनाई थी सुबह, तो वो बची है, तो वो रोटियाँ मतलब रोटियाँ तो अभी बनानी नहीं है, सिर्फ राइस बनाने हैं, तो राइस बना दूँगी इनके लिए, थोड़े से राइस बना दूँगी। और अपने लिए ब्राउन राइस बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है यार अभी, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा खाने पीने पे। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं इतना ऑयली ऑयली और वो फैटी चीज़ें खा रही हूँ ना, कि वेट इतना जल्दी गेन हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, और एक दिन मैं फट जाऊँगी ऐसे वेट गेन हुआ तो। बस हो गया अभी, तो मैंने इनको भी बोला कि यार टोकते रहा करो मुझे, मतलब ऐसे टोकते रहा करो कि आप फैट हो रही हो, आप अच्छी नहीं दिख रही हो, ये वो, क्योंकि उसी से मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज तो कम से कम किया करूँगी। तो यार ना एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, मतलब जब हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, श्रद्धा वगैरह आ रही थी और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो रही थी, वेट भी कम हो रहा था मेरा, 2 kg वेट उस टाइम, मतलब उतने दिनों में ही 2 kg वेट कम हो गया था। और ये बैकग्राउंड में इतना गंदा दिखता है ना, ये मैं बहुत बार निकालती हूँ और ये बहुत बार लगा देते हैं वहाँ पे, ये मतलब ख़त्म ही नहीं होता है एक्चुअली, ये कब से पड़ा है, 1 साल से पड़ा है और ये ख़त्म ही नहीं होता है। हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी तो वेट कम भी हो रहा था, मैं ऐसे बहक जाती हूँ, मतलब कुछ दिख जाता है बैकग्राउंड में, तो कभी टॉवल दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, तो ऐसे बहक जाती हूँ, मतलब टॉपिक चेंज कर देती हूँ। तो वेट 2 kg कम हो गया था इतने दिनों में एक्सरसाइज से ही, सिर्फ डाइट तो कर ही नहीं रही थी, डाइट तो काफ़ी दिन हो गए नहीं कर रही हूँ, तो अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी डाइट, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यार डाइट पे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं करूँगी जैसे मैंने जिम के टाइम की थी, बट थोड़ा सा तो करूँगी, मतलब थोड़ा सा ध्यान दूंगी। और ग्रीन टी भी नहीं ले पा रही हूँ कुछ भी नहीं, जैसे मैं पहले ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, ग्रीन टी लेती थी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट करनी है। आप भी थोड़ा सा पिन कर दिया करो कि आप कर रही हो क्या दी, आप ये कर रही हो क्या, वो कर रही हो क्या, पूछ लिया करो कभी कभी, ये भी थोड़ा सा याद रहेगा उससे। और चलिए फिर अभी करते हैं पेडिक्योर, और सबसे पहले मुझे रिमूव करनी पड़ेगी अपनी नेल पॉलिश पैरों में जो लगी हुई है। और आपसे एक और चीज़ शेयर करनी है जो आई है, मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर की थी बट अभी मुझे रिसीव हो गई है, तो वो भी चीज़ शेयर करनी है। आपको पसंद आएगी या नहीं पता नहीं, बट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मतलब मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है मेरा। तो वो एक ही सिंगल चीज़ ऑर्डर की थी, काफ़ी दिनों से चीज़ ऑर्डर की थी, बट लॉकडाउन की वजह से ना वो फंस गई थी कहीं, मतलब आई नहीं थी मेरे पास। तो अभी पार्सल आना स्टार्ट हो गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो पार्सल आना तो स्टार्ट हो गया है, मतलब कम से कम कुछ ऑर्डर तो कर पाएंगे यार, कुछ मतलब लेना हो। लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी न्यूड वाली, तो एक दो लिपस्टिक भी मैंने ऑर्डर कर दी है जो मेरी न्यूड ख़त्म हो गई थी, तो वो भी एक तो मिल गई है, दूसरी अभी मिलना बाकी है, तो वो भी आ जाएगी। वो तो आप लोगों ने देख ही ली है, काफ़ी बार देख ली है कि वो ब्राउन वाली लिपस्टिक,
तो वो भी ऑर्डर की है मैंने, तो चलिए मिल जाएगी वो, जब मिल जाएगी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो एक वो चीज़ शेयर करूंगी मैं बाद में आपके साथ। तो चलिए फिर अभी करते हैं, पानी गर्म करने के लिए रखा था मैंने, तो पानी गर्म हो गया होगा, पहले पानी देखती हूँ गर्म हो गया या नहीं, तो उसके बाद अभी बाल्टी में डालती हूँ उसे। तो सबसे पहली स्टेप है पेडिक्योर में, वो है आपका नेल पॉलिश रिमूव करना। तो सबसे पहले आपने जो भी नेल पॉलिश लगाया है उसे रिमूव करना चाहिए, और मेरा ये नेल पॉलिश काफ़ी दिनों से लगाया हुआ था। हाथों का नेल पॉलिश यार जल्दी निकल जाता है, बट पैरों का नेल पॉलिश ना वैसे के वैसे ही रहता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। तो एक बार अगर पैरों पर नेल पॉलिश लगाओ तो काफ़ी दिनों तक आपके पैर काफ़ी अच्छे से दिखेंगे, सुंदर लगेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो अपने लिए, और थोड़ा सा पैम्पर कर लिया करो खुद को। तो इसी तरह से मैं कभी कभी टाइम निकालती हूँ, मैं भी आपको बता रही हूँ, बट कभी कभी मैं टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए, और कभी फेस के लिए, तो कभी हैंड्स के लिए, तो कभी लेग के लिए, तो ऐसे टाइम निकाल लेती हूँ मैं कभी कभी। मतलब इतना हम लोग घर के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, खाना बनाते हैं अच्छा अच्छा ये सारी चीज़ें करते हैं, तो खुद के लिए क्यों ना करें। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर टाइम निकाल लेते हो आप अपने लिए, तो आप सुंदर लगने लगोगे, मतलब अच्छे लगोगे, और ख़ुद को अच्छा लगने लगेगा, खुद फील, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई देखता है तभी आप अच्छे लगते हो, मतलब अच्छा दिखना चाहिए आपको। खुद के लिए भी आप कर सकते हो, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद अच्छे रहने के लिए कर सकते हो आप, और हाइजीन भी ज़रूरी है तो उसके लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना गुनगुना पानी लिया है, जितना आप सह पाओ उतना पानी लेना है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है कोई भी शैम्पू, जो आप शैम्पू यूज़ करते हो वो शैम्पू ऐड किया है। उसके बाद नमक ऐड किया है, और उसके बाद ना उसमें ऐड किया है ये अमोनिया, और ये अमोनिया ना मेरे पास जो बचा हुआ था अमोनिया वो है, जो ब्लीच में आता नहीं है वो है अमोनिया। एक्चुअली पार्लर में जो अमोनिया आता है, मतलब लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, बट ये मेरे पास अमोनिया बचा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ही डाल के यूज़ कर लेते हैं। और बहुत बार करती हूँ मैं ऐसा, मतलब पहली बार नहीं कर किया है मैंने, तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें ब्लीच में, तो इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और आपके पास अगर अमोनिया नहीं है तो आप इसमें खाने का सोडा या इनो भी ऐड कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ने लगेगा। तो इस तरह से आपको इसमें पानी में डिप करके रखना है आपके पैर 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक आप रख सकते हो, आपके पैरों की कंडीशन कैसी है ये देख के। तो आपको रखना है इस तरह से, और उसके बाद आपको एक मेट लेना है उसके ऊपर रखना है, क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी पानी हो जाएगा इसी वजह से। अगर ये बाथरूम में करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर बाथरूम में नहीं करते हो तो इस तरह से एक मेट ले लीजिए, उसके ऊपर आप कर लीजिए। तो ये मैं क्या बोलते हैं स्क्रब कर रही हूँ, जो एडियो की डेड स्किन होती है उससे निकाल रही हूँ, और उसके बाद नेल पॉलिश उस पर ही ब्रश है आगे, तो नेल पॉलिश भी मतलब नेल्स भी उससे क्लीन कर लूँगी। आप पैर सोक करते हो तो उसमें, तो वो जो डेड स्किन होती है आपकी वो सॉफ्ट हो जाए, तो उससे ना जल्दी निकल जाती है। तो इसी वजह से जब पैर निकालते हो तो उसी टाइम आपको, जब गीले पैर होते हैं उसी टाइम आपको ये डेड स्किन निकालनी है, और इसके नीचे ही ब्रश है, तो मैं ब्रश से अपने नेल्स भी क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरे नेल्स के ऊपर जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो मैं इस तरह से नेल्स क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं एक स्टोन के हेल्प से अपने पैरों की भी डेड स्किन निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से एक स्टोन है मेरे पास, उस स्टोन की हेल्प से मैं अपने पैरों की भी डेड स्किन निकालूंगी। आपके जो हाथों और पैरों का कलर होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और फेस का कलर तो उससे भी ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे पैरों का कलर बहुत ज़्यादा टैन होता है, उससे फेयर आपके हाथों का कलर होता है, और उससे फेयर आपके फेस का कलर होता है। तो ये आपके बॉडी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कलर में, और पैरों का कलर ना बहुत ज़्यादा टैन हो चुका होता है, तो इसीलिए मेरे पैर देखिए आप अभी, बट आफ्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आफ्टर रिजल्ट देख लेना आप। अभी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा टैन लग रहा है, अभी मैं इसकी केयर करूँगी तो आफ्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने पैरों की डेड स्किन निकाल ली है, और उसके बाद पैरों को अच्छे से वॉश करके उस पर पैक अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो पैक है वो है न्यूट्री ग्लो का एंटी पिगमेंटेशन पैक, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। और आप होममेड भी पैक अप्लाई कर सकते हो, ये मेरे पास है इसी वजह से मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप होममेड भी बना सकते हो, मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है डिटैन फेस पैक। तो वो फेस पैक बनाने के लिए आपको चावल का आटा लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको बेसन लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको दही मिक्स करना है, टोमेटो की प्यूरी मिक्स करनी है 1 चम्मच आपको, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है, और वो आपको लगा लेनी है। तो उससे भी बहुत जल्दी टैनिंग हटती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है उनको। तो ट्राई करके देखिएगा,
काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगेगा आपको। और यहाँ पर मैं नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक वाली, तो ये जो नेल पॉलिश है वो रिलायंस ट्रेंड की है। आप लोग पूछोगे इसी वजह से मैंने पहले ही बता दिया कि कौन सी नेल पॉलिश है, रिलायंस ट्रेंड की नेल पॉलिश है ब्लैक कलर की। और यहाँ पर मैं वो अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद आप रिज़ल्ट पहले देख लीजिए मेरे पैरों की पहले कंडीशन कैसी थी और अब की कंडीशन में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और कलर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मतलब टैनिंग तो काफ़ी हद तक हट गई है उसकी और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहा है मतलब पहले से। यहाँ पर मैंने नेल पॉलिश अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज करूँगी अपने पैरों को। तो मैंने थोड़ा सा ये जॉय का मॉइस्चराइज़र ले लिया है और अपने पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद आप देख लेना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और आप खुद सोचोगे कि पहले की कंडीशन कैसी थी पैरों की मेरे और अब की कंडीशन में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो आपसे मैं शेयर नहीं करने वाली थी कौन सी चीज़ आई है, मतलब कौन सी चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, तो वो है ये एंकलेट मैंने ऑर्डर किया था। एक्चुअली ये मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, काफ़ी दिन पहले ऑर्डर किया था बट वो अभी आ गया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी इसका, मुझे एंकलेट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसे काला धागा वगैरह भी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बट एंकलेट ना ऐसे काले धागे में अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वैसे सिल्वर का एंकलेट से ज़्यादा ना मुझे ऐसे काले धागे में जो एंकलेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे आपको ये एंकलेट कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला एंकलेट। आप लोग अगर पहनते होंगे तो आपको अगर शौक हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे पैरों पे ये कैसे लग रहा है। और आप देख सकते हो रिज़ल्ट इसका, मतलब बिफ़ोर आफ्टर में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए पहले ब्राउन राइस, उनके लिए फिर वाइट राइस बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ ये इंडिया गेट का ब्राउन राइस। और आप लोग पूछोगे इसी वजह से मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि कौन से ब्रांड का है, क्या है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि कौन से ब्रांड का है। तो ये है इंडिया गेट का ब्राउन राइस और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली आपको इजीली मिल जाएगा ये मार्केट में या डीमार्ट में, अगर जाते हो तो डीमार्ट में तो बहुत इजीली मिल जाता है ये, तो मैं डीमार्ट से ही परचेस करती हूँ। और वेट लॉस में ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्राउन राइस। एक्चुअली ब्राउन राइस से ना बहुत जल्दी पेट फूल हो जाता है और काफ़ी देर तक पेट फूल रहता है, तो इसीलिए ब्राउन राइस में ना फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसी वजह से बहुत जल्दी मतलब बहुत देर तक फूल रहता है आपके पेट को, बहुत जल्दी बोल रही हूँ, और बहुत जल्दी भूख भी हो जाती है इससे। तो यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ऑयल ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। वो यहाँ पर बन रहे थे मेरे ब्राउन राइस और उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट मिलती हूँ शाम को आपसे। अद्विक अंदर रखो कबाड़ा, अंदर रखो पूरा, क्यों नहीं, कहाँ है बैट, अरे बाप रे, सब रखो अंदर। अद्विक दीदी रख रही, मतलब आप रखो, आपने निकाला ना वो, हे गाइस गुड इवनिंग। और अभी बज रहा है शाम के 7, आप देख सकते हो, पता नहीं आपको दिख भी रहा है या नहीं, पता नहीं दिख रहा है आपको, तो शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी अभी चाय बनाई है और एक्चुअली आज की चाय ना माही ने बनाई है, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। यहाँ पर माही ने चाय भी बनाई और मैं वहाँ पर नहाने के लिए गई थी तो माही ने चाय मेरे पास लाके भी दी वहाँ पे, तो मैं रेडी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ पहले। और आज ना मैं बनाने वाली हूँ क्या बोलते हैं ब्रेड पिज्ज़ा, तो चलिए फिर रेसिपी शेयर करती हूँ ब्रेड पिज्ज़ा की। बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी है, और चाय तो बना ली है इसने तो मुझे लगा था कि चाय के साथ हम लोग ब्रेड पिज्ज़ा खाएंगे, बट कोई बात नहीं, अभी मतलब इतनी ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है, शाम भी नहीं हुई है, तो पहले ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पिज़्ज़ा में, तो वो होती है चीज़, चीज़ ही चीज़ा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने ली है ये क्या बोलते हैं अमूल की चीज़, और उसके बाद सारी जो सब्जियाँ है वो चॉप कर ली है, मतलब जैसे कि ऑनियन और कैप्सिकम और टोमेटो वो चॉप कर लिए है, बारीक चॉप कर लिए है, उसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया है। और उसके बाद मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, तो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस आपको लगा देना है ऐसे 4 करके, मतलब जितना आपको बनाना है उतने आपको ब्राउन ब्रेड के
स्लाइस लगा देना है। अगर ब्राउन है तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेड अवेलेबल है। और उसके बाद मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है। नॉनस्टिक तवा इसलिए रखा है कि ताकि ये चिपके ना, क्योंकि हमें कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं करना है, मतलब ऑयल या कुछ भी घी वगैरह उसमें नहीं ऐड करना है। तो उसके बाद मैंने लिया है ये पिज़्ज़ा टॉपिंग। तो ये पिज़्ज़ा टॉपिंग मैं अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी, और अच्छे से स्प्रेड करना है आपको, सारी जगह लगना चाहिए, ऐसे स्प्रेड करना है आपको ये पिज़्ज़ा टॉपिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा टॉपिंग नहीं है, ये तो डॉक्टर ओटकर का पिज़्ज़ा टॉपिंग है, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हो पिज़्ज़ा टॉपिंग। सिंपल सा थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाल के थोड़े से जो क्या बोलते हैं टोमेटो है वो सॉटे कर लेने हैं, और उसमें लाल मिर्च डाल देनी है, लाल मिर्च भी अच्छे से सॉटे कर लेनी है, और के बाद उसे पीस लेना है मिक्सी में। तो हो गया आपका, मतलब पानी डाल के नहीं वैसे ही पीसना है। तो हो गया आपका पिज़्ज़ा टॉपिंग रेडी। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करना है उसमें। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा दिया है, उसके बाद मैंने उसमें जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी तो वो भी डाल दी है। अच्छे से उस पर स्प्रेड कर देना है आपको सब्जियाँ सारी, और आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतनी क्वांटिटी में ब्रेड आप रख सकते हो वहाँ पर, और अच्छे से रख डाल देना है उसके ऊपर, मतलब सारी जगह पे, मतलब ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, बीच बीच में ही डालना है आपको। तो इस तरह से आपको स्प्रेड कर देनी है सारी सब्जियाँ, और उसके बाद मैं उसमें ऊपर से जो चीज़ है वो ग्रेट करके डाल दूँगी, सारा चीज़ जो आपको अच्छे से ग्रेट करके ऊपर से डाल देना है पिज़्ज़ा के ऊपर, और ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए पीज़, नहीं तो फिर वो तवे के बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरह से आपको डाल देना है, मतलब ग्रेड करके चीज़ को, और उसके बाद जो सारे जो पिज़्ज़ा हमने बनाए हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, तो वो हम लोग तवे पे रखेंगे। और मैंने प्री हीट करने के लिए तवा पहले ही रख दिया है, तवा पहले ही मैंने उस पे रख दिया था गैस के ऊपर, अब ये हीट हो गया था तवा, और बिल्कुल फ्लेम जो है वो लो करनी है आपको, तवा हीट हो जाने के बाद फ्लेम लो कर देनी है, उसके बाद आपको उसमें ये जो क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा हमने बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा वो रख देने हैं। तो एक्चुअली लो फ्लेम इसलिए करनी है क्योंकि लो फ्लेम अगर आप करते हो तो नीचे से अंदर से ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, और आपका जो क्या बोलते हैं चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा, और आपका जो पिज़्ज़ा का बेस है जैसे कि ब्रेड वो भी जलेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसीलिए लो फ्लेम पे ही आपको रखना है, यही ध्यान रखना है आपको इसमें, लो फ्लेम पे रखना है। और जो आप ढक्कन रखते हो ना उसमें से स्टीम नहीं निकलना चाहिए, तो इसी तरह से ढक्कन रखना है। थोड़ी सी इसमें से स्टीम निकल रही थी तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मुझे लगा कि ये किसी किसी पिज़्ज़ा में इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ है, बट मेल्ट हुआ था, बट इतना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो होना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा मेल्ट होना चाहिए था। तो ये बहुत ज़्यादा इसका बेस जो है वो क्रिस्पी बना था, और डोमिनोज जैसा ही ये ब्रेड पिज़्ज़ा बना था, बहुत ज़्यादा, मतलब डोमिनोज का पिज़्ज़ा आप भूल जाओगे अगर आप इसे घर पे बनाओगे तो, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच में आप इसे बना के देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा चाव से खाएंगे, और आपको भी ऐसे लगेगा कि यार नहीं डोमिनोज जाना कैंसिल कर देता है इसके बाद से, और बस ये तो घर पे इतना अच्छा बनता है तो डोमिनोज में इतना पैसा क्यों गंवाना, मतलब डोमिनोज का वो रास्ता ही बन कर दोगे आप इसको अगर घर पे बनाओगे तो। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है यार, और क्विकली बन जाता है, बहुत ईजी है रेसिपी, और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है अगर आप जल्दी जल्दी चॉप करते हो सारी सब्जियाँ, तो बहुत टाइम कम लगता है, मतलब 15 मिनट ले लो आप इसे मतलब रेडी करने के लिए, और 5 मिनट ही आप इसे क्या बोलते हैं होने के लिए ले लो, तो बस हो जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। और यहाँ पर मैंने वो जो कांच का लीड होता है वो रख के देखा था, बट वो कांच का लीड बहुत ज़्यादा छोटा है मेरे पास, तो इसी वजह से मुझे यही रखना पड़ा दोबारा से। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें से स्टीम नहीं निकलनी चाहिए, जो आप ऊपर ढक्कन रखते हो उसमें से स्टीम नहीं निकलनी चाहिए, और सेकंड थिंग कि आपको लो फ्लेम पे ही इसे होने देना है ताकि जो आपकी सब्जियां है वो भी अच्छे से पके और चीज़ भी मेल्ट हो जाए और जो बेस है वो भी क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से आपको इतना ध्यान रखना है, और बाकी सारी चीज़ें डोमिनोज जैसी बनेगी। तो पक्का ट्राई करना, और एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर जो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था तो उस पर मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप जो मिर्च होती है उसे भी आप कूट के डाल सकते हो, और उसके बाद ओरिगैनो मैंने उसमें ऐड किया है, मतलब ऊपर से ओरिगैनो स्प्रेड कर दिया है, और रेडी हो चुका है हमारा डोमिनो स्टाइल ब्रेड पिज़्ज़ा। और आप देख सकते हो मुझे तो एडिट करते टाइम भी मुँह में पानी आ रहा है, और पक्का आपके मुँह में भी पानी आ ही रहा होगा इसको देख के। तो एक बार रेसिपी तो ट्राई करके देख ही सकते हो आप।
तो यहाँ पर हमारा पिज्जा रेडी हो गया है, ब्रेड पिज्जा, और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। भाई आ जाओ बेटा, टेस्ट करके बताओ। तो बहुत ज्यादा क्रंची जरा। बाप रे। सेम पिज्जा जैसी टेस्ट। बहुत यम्मी बना है यार, मेरे लिप्स को भी लग रहा है। तो चलिए खा लेते हैं पहले। जल्दी से, लास्ट बचा है अभी। 1 2 3। अद्वी कैसा लगा आपको? बढ़िया। अद्वी कैसा लग रहा है? उसके मुंह में है ना खाने। अच्छा अच्छा अच्छा। जो चबाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे, पानी पीने के बाद। बताने का वेट कर रही हूँ मैं अब। अधिक का अधिक अभी उसकी अभी आइसक्रीम दिख रही है टीवी में। हाँ अच्छा है, पेट भर गया, दिखाओ। हाँ अपने खाना है, बचा भी नहीं है अद्वी। नहीं बर्फ, अच्छा अच्छा बर्फ नहीं था वो, तुम्हें क्या ना अद्वी। टेस्टी है, टेस्टी है। तो गाइस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और सबसे पहले एनिवर्सरी विश करती हूँ, काफी लोगों की एनिवर्सरी है आज, मतलब मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर की एनिवर्सरी एक दिन में आई है। तो सबसे पहला नाम है मिनल एंड मिलिंद पाटिल, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। और सेकेंड नाम है राजश्री एंड कुमार त्रिभुवन, द हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। ईयर अपने जीजू के साथ रिक्वेस्ट की थी विश करने की, बट आपके जीजू जो है वो कॉल पे व्यस्त है, मतलब कॉल पे बिजी है, तो इसी वजह से आपके दी आपको विश कर रही है। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू वंस अगेन। और थर्ड नाम है चंदना रामगिरी की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर। और फोर्थ नाम है नीता एंड अनिल बोबड़े, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू डियर। और मेरे कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट उनके आईडी पे लिखा है निशान सिंह, तो उन्होंने बोला है कि उनकी ननद की कल एंगेजमेंट है, तो उनके लिए ब्लेसिंग दीजिए। तो उनका नाम है कंचन एंड अर्जुन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और आपकी जो आगे की लाइफ है आपके मतलब वुड बी हस्बैंड के साथ, तो वो बहुत अच्छी जाए, और आप फ्यूचर में आपके हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहो और बहुत खुश रहो, आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखे और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जाए, तो यही विश करूँगी आपके लिए। और जो नाम लेती हूँ मैं दो नाम, तो उसमें से एक ही नाम की रिक्वेस्ट आई है, तो रीता वर्मा ने रिक्वेस्ट की है उनकी बेटी का नाम लेने के लिए, तो उनके बेटे का नाम है नमन वर्मा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और जिन जिन के एनिवर्सरी है कल, सभी के लिए मैं विश करती हूँ कि आप सभी की लाइफ आगे की बहुत अच्छे से जाए और आप सभी लोग हैप्पी रहो अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में आपको भर भर के खुशियाँ मिले, यही आपके एनिवर्सरी पे भगवान से प्रे करूंगी आपके लिए। तो बस इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं, तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।